वेलकम टू शुम्भी लल्ला टेक सपोर्ट चैनल। मैं हूं शुम्भी और मैं आज एक लेटेस्ट न्यूज़ लेके आया हूं जो कि हाल ही में लॉन्च हो गया है लिंकीज का E5600 वाईफाई 5 राउटर, जो कि 1.2 GBPS स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा, वो भी 1000 square feet कवरेज के साथ। तो इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसी मंथ में ये लॉन्च हुआ है राउटर और इसका कवरेज जैसे कि 1000 square feet होगा, तो ये 10 डिवाइस या फिर उससे ज़्यादा को एक साथ कनेक्ट कर पाएगा और कवरेज भी दे पाएगा सही तरीके से। और इसका वाईफाई सपोर्ट जो है AC नैनोमीटर से बनाया गया है एंड AC 1200 इसका मॉडल नंबर है। AC 1200 राउटर में आपको 866 Mbps का स्पीड मिलता है जो 5G कनेक्शन में होता है एंड 300 Mbps 2.4 GHz कनेक्शन में स्पीड मिलता है। और इसकी प्राइस बात करें तो 3499 यानी 3500 इसका प्राइस दिया गया है, जिसका ओरिजिनल MRP है 5000 रुपये, जो कि 4999 इसका ओरिजिनल MRP है। तो अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आप जाके देख सकते हो, इसका लिंक अवेलेबल है। आप अगर ज़्यादा स्क्वायर फीट राउटर ढूंढ रहे हो तो यही सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर राउटर के स्क्वायर फीट होता है 30 से 35 या फिर 50 square feet, 100 square feet, इससे ज़्यादा नहीं। इसका कवरेज बहुत ही ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर लिंक से इसका E5600 जो वाईफाई 5 राउटर है, इसका स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसा है कि 1.2 GBPS आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगा एंड कॉम्पैक्ट डिज़ाइन जो है, एक्सटर्नल एंटेना फ्री है, यानी एक्सटर्नल एंटेना इसमें दिया नहीं गया है, जो कि कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की वजह से रिड्यूस किया गया है इसका जो एक्सटर्नल एंटेना को, पर इसका काम बरकरार रहेगा। तो ये एक ही टाइम पे 10 डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर पाता है एंड उससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। और इसमें जो फीचर दिया गया है पेरेंटल कंट्रोल के जैसे, सेपरेट गेस्ट एक्सेस या फिर आप अगर किसी को ब्लॉक करना चाहो वैसे भी होता है, ये सारे फीचर इसमें दिया गया है। और यहाँ पर ड्यूल बैंड राउटर जो हमारे आसपास मिलता है, 2.45 एंड 5 GHz के वाईफाई बैंड जो राउटर के ब्रांड होते हैं, वहीं पर 300 Mbps टू 866 Mbps का आपको स्पीड मिलेगा एंड जिसका नेम होगा AC 1200। तो यहाँ पर जो ये राउटर MIMO टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो कि कम्युनिकेट कर पाता है मल्टीपल डिवाइस को एक साथ लेके, एक ही साथ एक ही समय पर। और वाईफाई 5 राउटर जो 802.11a/b/g, वाईफाई 4 802.11n जिसका वाईफाई कनेक्शन होगा एंड वैन पोर्ट लैन पोर्ट यहाँ पर कनेक्टिविटी रहेगा। यहाँ पर जो रैम दिया गया है 128 MB का NAND फ्लैश रैम दिया गया है, जो कि DDR3 मेमोरी है। यहाँ पर जो LED ईथरनेट पोर्ट दिया गया है और LED कनेक्टर जो इंडिकेटर दिया गया है, वो सही से आपको पता चलेगा कि इसका कनेक्टिविटी ठीक है कि नहीं। और इसका डायमेंशन कुछ ऐसा है 220x235.7x91.1 mm। होप आपको ये छोटा सा डिटेल्स जान के अच्छा लगा। ये राउटर बहुत ही अच्छा है, आप अगर ढूंढ रहे हो कोई अच्छा खासा कवरेज के लिए या फिर बड़े इलाके के लिए आपको एक राउटर चाहिए जहाँ पर सारे जगह पर आपको सही तरीके से कवरेज मिले इंटरनेट का और इंटरनेट स्पीड भी मिले, तो ये राउटर है आपके लिए। आप
1000 स्क्वायर फीट यानी आप टोटल जो स्क्वायर फीट कवरेज करोगे वो राउटर से डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए 500 फीट, तभी जाके आप आसानी से कवर कर पाओगे। और 500 फीट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, आपको पता ही होगा। तो आज के लिए नहीं, गुड बाय एंड जय हिंद।